दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना था। यहाँ पर हम जाने थे कि सबसे पहले हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1773 में, ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। यहाँ पर हमने जाना था कि यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाया गया है, मतलब सबसे ऊपर एक गवर्नर है जिसका नाम है गवर्नर जनरल। ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, ऊपर है गवर्नर जनरल, उसके नीचे में दो और भी गवर्नर जनरल हैं, एक बम्बई का है और दूसरा मद्रास का है। ये व्यवस्था उन्होंने लागू करी थी जिसको हम सेंट्रल स्वरूप कह सकते हैं, कि केंद्र में सबसे ऊपर एक आदमी बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। इसके अलावा रिश्वत वगैरह लेना देना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई, गिफ्ट का आदान प्रदान बंद हो गया। अब ब्रिटेन को ये लगा कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। और ये जो दूर की जाने वाली जो कमियां हैं, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, उसके सिर के ऊपर जो वजन था उसको कम किया गया है, और जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिल है, काउंसिल जिसमें 4 सदस्य उसकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, उनका कामकाज यहाँ पर बढ़ गया है। जैसे कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिल है, वो जो भी कामकाज करेंगे उन कामकाजों को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से हमने बाहर कर दिया है। कंपनी में जो लोग सेवा दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर आ गए हैं, ठीक है, मतलब दो चीजों को तो यहां से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा एक और काम उसका कम कर दिए हैं कि राजस्व वसूली से संबंधित मामले, राजस्व की वसूली से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये काम उन्होंने अलग करा था। इसके बाद कौन कौन है जो कि इसके दायरे में आ जाते हैं, तो कलकत्ता में रहने वाले जितने भी लोग थे उनको सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ला दिया गया। और एक व्यवस्था बनाई गई है कि देखो, हिंदू लोगों की जो मान्यताएं हैं, मुसलमानों लोगों की जो मान्यताएं हैं, आपको सुनवाई उसी के हिसाब से करना, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको पता है विद्रोह होगा और हम यहाँ पर राज नहीं कर पाएंगे। ये व्यवस्था उन्होंने करी थी, ठीक है, 1781 के अमेंडमेंट के द्वारा, जिसको हम बंदोबस्त का कानून कहते हैं। 1781 में इसको अंग्रेजों ने पारित किया था, मतलब 1773 में कुछ संशोधन किए गए 1781 के कानून के माध्यम से, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम कहते हैं। तो अब इसके बाद लोग भी उसके दायरे में आ गए हैं। सुनवाई कैसी करना है, धार्मिक भावनाओं को हमें ठेस नहीं पहुंचाना, सुनवाई करते हमें समय ये ध्यान रखना। अब जैसे जनरली आज के टाइम में क्या होता है, कोई केस गया है, आप यदि निचली कोर्ट में हार गए हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में हार गए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उस टाइम में ऐसा नहीं था। सरकार ने क्या व्यवस्था करी थी कि जो अपील है आप सुप्रीम कोर्ट में मत करिए, कहाँ करिए, आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करिए। तो अपील का अधिकार किसको मिल गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मिल गया। इसके साथ साथ में जो छोटे लेवल के न्यायालय उस टाइम में हुआ करते थे, चाहे वो छोटे न्यायालय हों चाहे वो जो काउंसिल हों, ये दोनों चीज़ें, छोटे वाले न्यायालय और जो काउंसिल हैं, ये दोनों से रिलेटेड जो नियम कानून बनाने का अधिकार अब किसको मिल गया है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मिल गया है। मतलब यहाँ पर हम पहले ही बताए थे कि इसमें पावर दी जा रही है किसको, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से।